हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो इंडिया रेल इन्फो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के सबसे सफल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में से एक रहा WAP-4 की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं WAP-4 की पूरी हिस्ट्री। भारत में WAP-4 का सबसे पहला यूनिट बनाया गया था 1993 में, जिसे बनाया था CLW ने, यानी कि चित्रांचल लोको वर्क्स ने। WAP-4 का आखिरी यूनिट बना था भारत में 2016 में। भारत में इस दौरान इस लोकोमोटिव के 778 यूनिट बनाए गए हैं और इसकी जो लोकोमोटिव की मैक्स परमिटेबल स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर की। और WAP-4 के पावर की बात करें तो इस लोकोमोटिव में 5050 हॉर्स पावर का पावर है। और इस लोकोमोटिव के स्टेटस की बात करें तो आज भी ये भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर आपको कई जगहों पर दौड़ता दिखाई देगा, इसलिए लोकोमोटिव एक्टिव है। तो चलिए अब बात करते हैं WAP-4 लोकोमोटिव के कुछ खास लोको शेड की, वो है इरोड, वडोदरा, सांतरागांची, लालागुड़ा, अर्नाकुनम। ये कुछ खास लोको शेड है WAP-4 के जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में WAP-4 देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें इस लोको शेड को खास लोको शेड की श्रेणी में रखा है। अब आखिर में बात करते हैं हम WAP-4 की कुछ स्पेशल लिवरीज के बारे में, तो वो है राजहंस, एरावत, शताब्दी लिवरी, सप्तागिरी लिवरी, उसके अलावा आपको राजधानी लिवरी में भी ये मिल जाएगा। इन लिवरीज के अलावा आपको WAP-4 में और भी बहुत सारी लिवरीज देखने को मिल जाएगी भारतीय रेलवेज में, लेकिन ये कुछ सबसे ज़्यादा अलग और मोस्ट कॉमन यूज़ की गई है, जो कि ओरिजिनल कलर के सिवा उससे हमने इस लिस्ट में चॉइस किया है। और ज़्यादा लिवरीज वगैरह आपको देखना चाहते हो तो आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं WAP-4 की और भी ज़्यादा लिवरीज। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये WAP-4 लोकोमोटिव की हिस्ट्री और जानकारी पसंद आई होगी। और आपको कोई और लोकोमोटिव की हिस्ट्री जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।